कंपनी ऑफ हीरोज ये एक एक्शन वॉर मूवी है। ये वर्ल्ड वॉर टू की कहानी है जिसमें कुछ अमेरिकन सोल्जर्स एक भयानक खोज करते हैं। उन्हें पता चलता है कि हिटलर एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब बना रहा है। इसके पीछे जो साइंटिस्ट है उसे ये लोग खोज रहे हैं। दोस्तों मूवी की कहानी अच्छी है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन मुझे पसंद नहीं आया। डायरेक्शन बिलो एवरेज है और परफॉर्मेंसेस भी कन्विंसिंग नहीं लगते। ये एक वॉर मूवी है लेकिन ये हमें रियलिस्टिक वाली फीलिंग नहीं दे पाती। मतलब ये मूवी हमें वर्ल्ड वॉर टू के समय में नहीं ले जा पाती। कुछ एक्शन और वॉर सिक्वेंसेस अच्छे हैं जो आपको थोड़ा बहुत ही एंटरटेन कर पाते हैं। प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी कुछ जगह पर इम्प्रेसिव है। इस सब के बावजूद भी मूवी में हमारा कहीं पर भी इंटरेस्ट नहीं बन पाता। यह हमें बहुत जगह पर बोर भी करती है। दो तीन जगह पर मूवी आपको थ्रिल करती है लेकिन इससे बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं दे पाती। स्क्रीन प्ले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और सिनेमाटोग्राफी भी काफ़ी एवरेज थी। हिंदी डबिंग अच्छी है और इसमें कुछ एडल्ट सीन्स है तो आप इसे फैमिली के सामने नहीं देख सकते। प्रो ऑडियंस को यह पसंद नहीं आएगी। ओवरऑल दोस्तों ये एक डिसअपॉइंटिंग मूवी है जिसे आप अवॉइड कर सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 out of 10। दोस्तों मैंने जॉन विक चैप्टर 4 का भी रिव्यू कर दिया है और बेस्ट हिंदी डब मूवीज़ पर वीडियो बनाई है। ये दोनों वीडियोस आपको इस वीडियो के एंडिंग में देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।